सिटीजनज डे पे मैं सतलुज क्लब से आके मैं बहुत खुश हैगी हाँ। तो मैं समझती हाँ कि समाज को इस दिहाड़े को बिल्कुल मनाना चाहिए तो पूरी अपने पेरेंट्स की जिहड़ी हैगी है रिस्पैक्ट करनी चाहिए है। जिन्हें साडे सीनियर सिटीजन ने साडे सत्कारयोग बजुर्ग ने इन्होंने क्योंकि अज तो असी भी इन शामिल हैं तो इन्होंने जो अपनी जिंदगी दे विच वख वख खेत्रां दे विच किसी भी डिपार्टमेंट दे विच कोई रहे इन्होंने बाखूबी सेवा की है। अज का दिन एक बहुत ही खुशियां भरे माहौल दे विच मनाया जा रहा है। बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी, हर साल तो कर रहे हैं तो ऐतकी भी बड़े ध्रू नाल करना चाहते हैं ताकि साढ़े जो बजुर्ग ने सारे सीनियर सिटीजन आन तो अपना अज का इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे मना। हमेशा अपने बजुर्गों का सत्कार करो, कभी भी उन्होंने इग्नोर ना होने दो, कभी भी इग्नोर फील ना करो, कभी भी इस तरह ना करो कि उन्होंने मायूस हो असं बजुर्ग हो गए हैं। आप दोस्तों मैं थोड़ा दोस्त हरदीप दुआर तुम देख रहे हो लुधियाना लाइव। सब तो पहले लुधियाना लाइव के सारे व्यूअर्स वल सीनियर सिटीजन डे दियां बहुत बहुत मुबारक। सो दोस्तों आज बहुत ही धूमधाम स्मार्ट सिटी लुधियाना के सतलुज क्लब के भी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 2022 सैलीब्रेट किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन डे पे मैं सतलुज क्लब से आके मैं बहुत खुश हैगी हाँ तो अपने समाज के जिन्हें भी सीनियर सिटीजन ने उन्होंने मिल के उन्होंने नाइट में एक डेडिकेटेड जो इवेंट सतलुज क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है इतने आके मैं बहुत खुश हैगी हाँ। इन सारिया के मैं अपने खुद के पेरेंट्स से नाना नानी देखती हैगी हाँ तो मैं समझती हाँ कि समाज को इस दिहाड़े को बिल्कुल मनाना चाहिए है तो पूरी अपने पेरेंट्स की जिहड़ी हैगी है रिस्पैक्ट करनी चाहिए है। उन्होंने समाज के एक बहुत अहम हिस्से नाल मनते हुए उन्हां दा आशीर्वाद लेना चाहिए है। थैंक यू। सब तो पहला मैं तुहाडे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ, शुक्रिया। सानू इस तरह अज मैं इत्थे क्लब विच फस्ट टाइम आई हाँ सीनियर सिटीजन का डे मना, बहुत चंगा लग्या। सानू सारिया नू सीनियर सिटीजन का डे जरूर मनाना चाहिए है क्योंकि इन्हां करके ही अज असीं इत्थे हाँ। इन्हां दा आशीर्वाद साडे नाल हमेशा रहिंदा है, इन्हां दे आशीर्वाद दे नाल असीं इन्हां इस बुलंदियां ते पहुँचे हैं। इसलिए सानू अपने वड्डे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन दा इस दिन जरूर मनाना चाहिए तो इन्हां दियां विशेष सानू लैने चाहिए। बड़ी खुशी की गल है कि सीनियर सिटीजन डे बहुत ही खुशियां भरे माहौल दे विच मनाया जा रहा है। लुधियाना दे विच दिन वेले भी समागम होए ने, गुरु नानक भवन च मैनूं पता लग्या हुण भी इत्थे सतलुज क्लब च हो रहे ने। मैं तां इक गल कहनी चाहुंदा मानयोग साडे मैडम डिप्टी कमिश्नर नूं कि लोधी क्लब दे विच जिहड़ा सीनियर सिटीजन है वह 60 साल का गिणिया जाता है तो सतलुज क्लब दे विच 65 साल का, गौरमेंट के कागजां च 58 साल का, रेलवे 60 साल का, तो घट्टो घट्ट जिहड़ियां साडियां लुधियाने दो क्लबां ने यह उम्र सेम होनी चाहिए है। जे सेम नहीं तो घट्टो घट्ट बराबर कर लो, जां तुसीं 62 कर दो, कुछ ऐसा जरूर सोचना चाहिए। एक मैं कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जब लोग सोचते भी ने, हसते भी ने, मजाक भी करते हैं क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ही दोनों के हेड ने ते डिप्टी कमिश्नर तो यह नहीं कि लोधी क्लब तो इत्थे तक आउंदे आउंदे असीं 65 साल के हो गए 60 तो ये नहीं होना चाहिए। ये जरूर इस पर बड़ी गंभीरता दे नहीं, मैं उही कहना 58 तो बाद भी लगती है, 58 तो बाद भी लगती है, 60 तो बाद भी लगती है, आए तो इंग्लैंड 65 तो बाद लगती है। बहुत कुछ वक् वक् ने पर साड़ियां दो क्लबा ने लुधियाने दियाँ सेम ने तो दोनों के ही प्रधान डिप्टी कमिश्नर ने, ये तो इन्होंने कलम के नाल ही होना है। तो साड़ी तो बेनती है जां वो 62 कर दे जां 60 कर दे, ये जरूर इस पास ध्यान देना चाहिए। दूसरा जिन्हें साडे सीनियर सिटीजन ने साडे सत्कारयोग बजुर्ग ने इन्होंने क्योंकि अज तो असी भी इन शामिल हैं तो इन्होंने जो अपनी जिंदगी दे विच वख वख खेत्रां दे विच किसी भी डिपार्टमेंट दे विच कोई रहे इन्होंने बाखूबी सेवा की है। अज का दिन एक बहुत ही खुशियां भरे माहौल दे विच मनाया जा रहा है।
उन्होंने नाल मिसिज आ रहे हैं, बड़िया खुशियां भरे समागम किए जा रहे हैं। ये होना चाहिए तो कई जिहड़े पिंडां दे विच भी मैं समझदा ये जागरूक करना चाहिए तो उन्हां बजुर्गों भी उस तरह पंचायतां समागम कर सीनियर सिटीजन का तो उन्होंने भी मान सत्कार मिलना चाहिए। जब सीनियर सिटीजन मनाया जाता है दिलों एक बहुत ही अच्छा फील होंदा है कि साडा भी सम्मान किया जा रहा है, बच्चे दूसरे लोग साडा सम्मान कर रहे हैं, मनों बहुत ही खुशी होंदी है। इदां ही मनाते रहना चाहिए जिदे नाल बजुर्गों को इज्जत मिलती रहे और सोसाइटी दे विच एक भाईचारा बनिया रहे। मैं मंजुला जैन, मैं इस क्लब की सतलुज क्लब की बड़ी पुरानी मेंबर हूँ, रादर मैंने एग्जीक्यूटिव में भी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहली एग्जीक्यूटिव लेडी एग्जीक्यूटिव मेंबर थी मैं, और उसके बाद फर्स्ट कल्चरल सेक्रेटरी रही हूँ यहाँ की, काफ़ी साल एग्जीक्यूटिव के साथ काम किया है। और बहुत खुशी की बात है कि अब जो हमारा नई पीढ़ी आ रही है आगे आगे, वो सीनियर सिटीजन्स के बारे में खास सोचते हैं, सीनियर सिटीजन के मन पसंद के प्रोग्राम करे जाते हैं, जैसे अच्छे अच्छे गाने हमारे टाइम के वो किए जाते हैं, खाना देते हैं बहुत अच्छा उस दिन खास प्यार से बना हुआ, और साथ में यस कुछ गिफ्ट्स, कुछ प्यार, कुछ दुलार, सब कुछ मिलता है हमें, और इससे सारे जनों को बहुत खुशी होती है। बस ये आदर सत्कार आपस की प्यार मोहब्बत बनी रहे। सो दोस्तों साडे नाल गल करने मौजूद है ने सतलुज क्लब के कल्चर सैकटरी, तो फिर गल कर देना। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्लब दे विच किद्दां वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सैलीब्रेट किया जा रहा है? बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी, हर साल तो कर रहे हैं, तो ऐतकी भी बड़े थ्रू नाल करना चाहते हैं ताकि साडे जो बुजुर्ग ने साडे सीनियर सिटीजन आन तो अपना अज्जा इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे बना, उन्होंने लिए असी सिंगर भी बुलाए, खाना का इंतजाम भी किया, डांस डांसिंग सारा कुछ रखे है। तो मेरे ख्याल असं अपने वालों पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, साड़ी एग्जीक्यूटिव टीम पूरी कर रही है, टांडा साहब भी कर रहे हैं, तो सो बड़ा सानू अपने मन में खुशी हो रही है कि कल असं शायद इस स्टेज जावे, इस स्टेज जाना तो असं भी एक्सैप्ट करा भी सूँ भी इतना मिले। तो सतगुरु क्लब की बड़ी पुरानी हैगी है कि वह करते ही करते हैं। आई एम डॉक्टर वीरेंद्र मोहन, एक्स डी एम सी एक्स गवर्नमेंट, and I have been the member of this club for a good over 20 years. Earlier I was member at Amritsar in that Amritsar club. Now for the whole year, in fact we look to this 1st of October because in this is especially for the people of 65 and above, so it's a very good occasion and it is on the house also. And the experience which I have is that there is generally is a very good arrangement, and we look forward to this day and meeting old people, cultural program and all the these good food, and I think it's lovely. And my daughter is also IAS officer, she is the same batch as the previous DM here, Mr. Praveen Agrawal, I suppose he was earlier, but she is in the other quarter. I am Dr. Urmil Mohan, member of this club, and we find the club to be very nice. Every type of facility is there, and this is a special occasion when we meet around the people of our age. We look forward for the time to be here. Mohan Jindal, senior citizen. My age is 76 years. So, sir, how many World Senior Citizen Day celebrate kar rahe ho club de vich? ये उपराला जिहड़ा सतलुज क्लब करता है सीनियर सिटीजन वास्ते बहुत अच्छा उपराला है, ये सब नूं खुशी मिलती है, सीनियर सिटीजन नूं सारे उन्होंने अपने विचार एक दूजे नूं सांझा करते हैं, बहुत ही अच्छी गल है जो इन्होंने उपराला करते हैं। मैं इन्होंने स्पेशली सतलुज क्लब के प्रेजिडेंट नूं भी बधाई देना चाहुंदा इस मैटर से भी ये हमेशा अगे भी इस नूं करन। ये हर साल की तरह ये सीनियर सिटीजन डे मनाते हैं जी, एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़े भी है एग्जैक्टिव कमेटी है, बड़ा अच्छा लगता है सानू बुजुर्गों को खास करके जिहड़े ओवर अबव 65 ने, बहुत अच्छा लगता है कि मना के सन्मान भी देंगे ने, खाना भी खिलाते हैं, इंजॉयमेंट भी होंगी है, रंग रंग प्रोग्राम भी होंगे, तो असं बहुत इंजॉय करते हैं, सानू बहुत अच्छा लगता है जिहड़ा एग्जैक्टिव कमेटी स्टैप लैंदी है, सानू बड़ा अच्छा लगता है, इट्स वेरी नाइस। यूथ को मैसेज देना चाहोगे? हाँ जी, यूथ को मैसेज की देना चाहोगे? यूथ को यह मैसेज देना चाहवांगे भी हमेशा अपने बुजुर्गों का सत्कार करो, कभी भी उन्होंने इग्नोर ना होने दो, कभी भी इग्नोर फील ना करो,
कभी भी इस तरह ना करो कि उन्होंने मायूस हो असं बजुर्ग हो गए हैं। जो यूथ उन्होंने पूरा संभालेगा तो वो इस तरह शो होएगा भी वो जिमें बिल्कुल जवान है तो कभी भी बुढ़ापा महसूस नहीं करेंगे। यूथ को चाहिए अपने अपने बजुर्गों का दूसर का सारे का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। सर तुहाडा की नाम है? इंद्रपाल सिंह जी। सर किदां ये सैलीब्रेट कर रहे हो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन? सिर्फ सानू दस्सिया बिल्कुल उही तरह हो रहा है, अगले साल अभी भी 80 भी हो जाएंगे और सीनियर सिटीजन बन जाएंगे इस वेल जैसे सीनियर सिटीजन आ गया। अच्छा गल करिए एक्टिविटीज की, एक्टिविटी चल रही है? बहुत सोहनी चल रही है जी, ये चलना चाहिए, उत्साह ही है, जिन्ना उत्साह देंगे उन्ना काम देगा। ठीक है, और यूथ को की मैसेज देना चाहोगे? खास मैसेज देने की खास गल है ही नहीं, सारा कुछ सिंपल दस देगा उ चल रहा सारा कुछ। माई सेल्फ मोहिंदर सिंह आम द ऑलमोस्ट अपना मैंबरस ऑफ द सतलुज क्लब राइट फ्रॉम 74 तो असी हर साल इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन बड़ी धूमधाम मनाने जिद जनरल सैकटरी मिस्टर संजीव टांडा उन्होंने मेन रोल होंगे, बाकी उन्होंने जी टीम हैगी है जैसे लाठी बाबा जी ने इस बार तो पहले इस तो पहले अपना ऋषि बाबा जी रहे ने ते उनका बड़ा रोल सी अदा करने के असी चाहते हैं कि हर दी हमेशा ही तरह हर साल मनाया जाए और जो बजुर्ग ने उन्होंने फील होंगे जाए कि तुम बुढ़े हो गए हो तो वो उन्होंने हमेशा ऑनर करते हैं और हमेशा उनका फर्ज बनता है जूनियर्स का नवे मैंबर ने कि इन्हों हमेशा वास्ते ही ऑनर कर ते ये चीज़ हमेशा रहा चली जाए। राजेंद्र सिंह खोखर। सर कितना सैलीब्रेट किया जा रहा है सीनियर सिटीजन? देखो ये हर साल ही मनाते हैं बहुत वधिया तरीके नाल, मतलब जेडे अपने तरीका वधिया बनाते हैं, ये जो 80+ है उन्होंने सम्मान भी करते हैं, ये सीनियर सिटीजन बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने कदर होंगी है, घर का पता नहीं कदर होंगी कि नहीं होंगी पर इतने जरूर कदर होंगी है। और मैं बहुत इंजॉय कर रहा कि अज जड़े भी सीनियर सिटीजन मैं इतने आके देख रहा कि मेरा फर्स्ट इधर विजिट है और उन्होंने देख के मेरे एनर्जी आ रही है कि मैं 83 का हो के भी अजय और इस तरह महसूस कर रहा कि मैं एक नौजवान महफल दे विच आया और ये महफल ही एक इंसान नूं जो बुढ़ापा है उन्हें दूर करती है और इहो जिहियां महफलों के जो बंदा आता है तो उसनों पता लगता है कि जिंदगी की है, जिंदगी जीन दे लई है, ना कि जिंदगी ये चीज़ महसूस कर ले कि हुण मैं बुढ़ा हो गया, मैं बुजुर्ग हो गया, लेकिन बुजुर्गी जड़ी है बुजुर्गी दी एक टाइम नहीं हैगा, सिर्फ एक इंसान दी जो इंसान दी सोच है वह बुजुर्गी हैगी है। बुजुर्ग बंदा उदों हुंदा है जदों उनका जीवन साथी उनके नाल विछड़ जाता है और वह इकला रह जाता है और समाजिक तौर पर वह बुजुर्ग हो जाता है या वह बुजुर्गी का टाइम होंगे जदों एक आदमी की बुढ़ापा आ जाए और वह बुढ़ापा आके उनका कोई ऐसी परपज़ हो जाए कि उन्होंने यहो जी बीमारी लग जाए जिंदे ते बच्चों नूं सेवा करनी पवे उसनों बुढ़ापा कहते हैं। लेकिन इत्थे आके मैनूं ये फील होया कि ये बुढ़ापा नहीं, ये जिंदगी का एक टेस्ट है और जिंदगी का एक लुत्फ हैगा कि जदों एक आदमी बुजुर्ग हो जाए उन्हां दी अगर बुजुर्गों के नाल इंट्रोडक्शन होवे बुजुर्गों नाल संगत होवे तो उन्हों वो फिर बकअप हो जाता हैगा। सो मैं जितने भी इत्थे आए मेहमान हैं उन्हां दा तह दिलों शुक्रगुजार करना और मैं अपनी एसोसीएशन सिंगार अपना सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसीएशन 39-38 39-40 दे विचों जो मेरे नाल साढ़े चेयरमैन साहब जो 87 हैं वो भी तशरीफ लिया आ उन्हां वालों भी तो सारी एसोसीएशन वालों भी मैं अज दे दिन ते सारे नूं मुबारकबाद देना और मैं ये आस करना कि उन्हां कोलों सानूं इत्थे आ के प्रेरणा मिलती है कि जीवन किस तरह का है। जी की नाम है तुहाडा? मेरा नाम मदन लाल सिंघानिया जी। सर कितना अच्छा सैलीब्रेट कर रहे हो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन? अच्छा सीनियर सिटीजन डे मनाया जा रहा है क्लब च, ये हर साल करते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम होंगे, अच्छा खा म्यूजिक वगैरह अच्छा चल रहा होंगे, खाना अच्छा होंगे और जोड़े सीनियर मैंबर उन्होंने गिफ्ट भी दिता जाता और अभी बहुत इंजॉय करते हैं, जे सीनियर सिटीजन बहुत इंजॉय करते हैं। उषा सिंघानिया।
बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। जो पुराने मेंबर्स होते हैं वे आजकल व्हीलचेयर के ऊपर भी आते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और सारे पुराने मेंबर्स के लिए होता है, इसलिए हम बहुत इंजॉय करते हैं और एंड में ये लोग गिफ्ट भी देते हैं। सो दोस्तों से आस करते हैं कि साडा दा प्रोग्राम बहुत ही वधिया लगेगा। अपने शायद इस भाई रखो, अपने माता पिता ध्यान रखो, लुधियाना दे पेज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्रोग्राम वधिया लगे सो प्लीज शेयर जरूर करो। सो कैमरा पर्सन नवाब और हरजीत दे नाल हरदीप दुआ नूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।